बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखो, हम कर रहे थे कि हमें क्या था, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था और एक फंक्शन था। ये फंक्शन हमें क्या करना है, वेरीफाई करने की इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो फिर से वही करना है हमें। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन जो फंक्शन है हमें वो क्या है, गिवन वाई एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी। ठीक है, ये फंक्शन हमें गिवन है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वाई निकालना है। तो क्या आएगा हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, log y प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे तो uv लग जाएगा, तो क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन करने पे 1, ठीक, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y डैश, ठीक, इज इक्वल टू log y का क्या आएगा, 1 अपॉन y इंटू y का दोबारा करेंगे तो y डैश प्लस सी का क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यह आएगा हमारे पास y प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y डैश अपॉन y। तो देखो इस y को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा हमारे पास, y इंटू y प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y डैश। ठीक है, तो यह आएगा, दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू y डैश इज इक्वल टू y डैश। तो जो y डैश है उनको एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, तो इस y को इस साइड ले जाओ, तो दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू y डैश माइनस में एक्स वाई इंटू y डैश। तो ये आएगा, दिस इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से y डैश कॉमन निकालते हैं, ठीक, y डैश कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बच गया माइनस एक्स वाई। ठीक, तो इसको इस साइड ले आते हैं, क्या आ जाएगा, y डैश इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट आ गया, देखो जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। ठीक है, तो पक्का ये जो फंक्शन है वो इसके क्या है, सॉल्यूशन है, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना था वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक, ये आ गया। ठीक है, तो हैंस यहाँ से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हैंस एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस सी इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, y माइनस कॉस y इज इक्वल टू x सच दैट y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y। ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें वेरीफाई करना है ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो देखो यहाँ y डैश चाहिए, तो सबसे पहले हम y डैश निकालेंगे। सॉल्यूशन गिवन क्या है हमारे पास, गिवन जो फंक्शन है y माइनस कॉस y इज इक्वल टू x, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या आएगा, जब y को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश, ठीक, y डैश माइनस कॉस y क्या आता है, माइनस ऑफ साइन y, और y का दोबारा करेंगे तो y डैश आएगा। यहाँ पे x है तो विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से देखो y डैश कॉमन आ रहा है, या तो y डैश ये क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, ये वाला y डैश पहले लिख देना, y डैश साइन ऑफ y, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा y डैश कॉमन आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज y डैश कॉमन आएंगे तो 1 प्लस साइन y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। तो दिस इम्प्लाइज y डैश की वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस साइन y।
ठीक है, ये इधर जाके कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। नाउ देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो फंक्शन है वो इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं जो गिवन है वो लिखते हैं, नाउ वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वाई डैश इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ वाई डैश इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में क्या करना है, हमें इसका वैल्यू पुट करना है। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, एल एच एस, एल एच एस क्या है हमारे पास, एल एच एस इज इक्वल टू वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे वाई डैश की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा हमारे पास, वाई साइन वाई। ठीक है, वाई साइन वाई, यहाँ से देखो क्या है हमारे पास, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई, यहाँ क्या है हमारे पास एक्स है, और एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, देखो वाई माइनस कॉस वाई। ठीक है, तो यहीं से हम पुट कर सकते हैं, ये जो एक्स की वैल्यू है ये हमें यहाँ से पुट करना है, वाई माइनस कॉस वाई एक्स के जगह पे, तो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस वाई माइनस कॉस वाई। ठीक है, इंटू वाई डैश, यहाँ पे क्या है वाई डैश, और वाई डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से वन अपॉन वन प्लस साइन वाई, तो इंटू वन अपॉन वन प्लस साइन वाई ये आएगा। ठीक है, इक्वल टू, ये हम एल एच एस लेके चले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से कॉस वाई क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचा वाई साइन वाई। ठीक है, प्लस वाई इंटू वन अपॉन वन प्लस साइन वाई यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, हमें वाई को कॉमन निकालना है, तो वाई साइन वाई प्लस वन इंटू वन अपॉन वन प्लस साइन वाई। ठीक, तो देखो ये वन प्लस साइन वाई, यहाँ पे भी वन प्लस साइन वाई, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, यहाँ क्या बचा हमारे पास, वाई ही बचा, तो ये आ गया हमारा क्या, y किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर। देखो ये जो फंक्शन हमने ये लेके चला था, यहाँ पे y डैश की वैल्यू पुट किया था, तो यहाँ क्या आना चाहिए, y आना चाहिए, तो इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर हमारा एल एच एस और आर एच एस क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो हैंस द फंक्शन y इज इक्वल टू, हैंस y इज इक्वल वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या फंक्शन गिवन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा है वाई स्क्वेयर वाई डैश प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो सॉल्यूशन गिवन, जो फंक्शन है हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वाई डैश निकालना पड़ेगा, तो ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये आएगा एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा वन आएगा, प्लस वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डैश रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, तो ये आएगा वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, इंटू वाई का दोबारा करेंगे तो वाई डैश। देखो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स कितना होता है, टेन इनवर्स, मान लो हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो ये आता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई है तो वन अपॉन वाई प्लस,
वन प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई का क्या करना पड़ेगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई डैश आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो वाई डैश, दिस इम्प्लाइज क्या होगा हमारा, ये वन प्लस वाई साइड कर दो तो वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई डैश इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा सिंपल वाई डैश, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज वन इंटू वन वन प्लस वन इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश, ठीक है। अब देखो ये वाई डैश और ये वाई डैश क्या होगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वाई डैश और ये वाई डैश क्या होगा, कैंसिल, या तो देखो ऐसे कर देना वन प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, यही साइड लाएंगे तो माइनस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, ये वाई डैश जो है वो यहीं पे रखो, इसको साइड ले जाओ तो क्या आएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, ये यहाँ गया तो माइनस वन और ये वाई स्क्वायर यहाँ गया माइनस वाई स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकालेंगे तो वन प्लस वाई स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ से वाई डैश की वैल्यू क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। नाउ जो हमें प्रूफ करना है वो क्या करना है, दिस इज इक्वल टू जीरो दिखाना है। तो एल एच एस क्या है हमारे पास, नाउ एल एच एस इज इक्वल टू हमारे पास है वाई स्क्वायर वाई डैश, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका एल एच एस हमारे पास ये है, ठीक है, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, ठीक। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो जो हमने वाई डैश निकाला था, यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, वाई डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ से ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, तो ये अगर ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमारे क्या आएगा, माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से वन वन कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, जीरो बच गया। तो यही जीरो क्या है हमारे पास, आर एच एस है, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो आर एच एस आ गया। हैंस जो गिवन फंक्शन है, हैंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9।